मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली हूँ और इसको अच्छे से मैंने दो से तीन घंटा पानी में सोख करके रखी हूँ, तो ये अच्छे से भीग चुकी है। यहाँ पे 5-6 हरी मिर्ची ली हूँ और थोड़े से लहसुन ली हूँ। यहाँ देखिए इतना से अदरक का टुकड़ा भी ले लेती हूँ, ये इसमें डालती हूँ। बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पे 5-6-7 लहसुन की कलियां है और अदरक है या हरी मिर्ची का, सबको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेती हूँ। मैं मिक्सी का जार रखी, इसमें दालों को डाल देती हूँ और पीस लेती हूँ इसको। ये जार में डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको दाल है तो हमारी पीस चुकी है अच्छे से, यहाँ देख सकते हैं आप। आधी प्याज डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई, 4-5 कड़ी पत्ते हैं जिसको हमने बारीक कट कर लिए ये डालेंगे। ये डालना कड़ी पत्ता, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, यहाँ पे 1/2 टीस्पून से भी कम है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा ले लिए ले ये भी 1/2 टीस्पून से कम है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ये इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। यहाँ पे आप चाहिए तो इसमें थोड़ा से मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चुटकी डालिए, अच्छा एकदम टेस्ट कुरकुरा सा भी बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है तो आपको कमेंट में बताना है हमें, और चैनल को लाइक ज़रूर करना रेसिपी अच्छी लगी तो। तैयार है हमारा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम गरम तेल डाल देंगे इसमें, इससे बहुत अच्छे कुरकुरे पकौड़े हमारे तैयार होंगे मूंग दाल के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते। चलिए जी तेल गरम हो गया, इसमें डाल देते हैं। यहाँ देखिए पकौड़ों को मैंने डाली और अभी मैंने फ्लेम को फुल रखी हूँ थोड़ा, और यहाँ पे इसकी साइड एक तरफ से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक का इसको पकाएंगे हम, फिर साइड इनकी चेंज करेंगे। चलिए जी अब यहाँ पे इनको सबको हम पलटी कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे क्रिस्पी से पकोड़े तैयार है, सबकी साइडें चेंज कर लेंगे हम अच्छे से, यहाँ से भी पका लेंगे अच्छी तरह से इसको। तो चलिए जी देख लेते इनको कि देखिए कितने मज़े के हमारे मूंग दाल के पकोड़े, देख के ही लग रहा है ना दिल खाने के लिए। तो आप इस तरीके से मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, और साथ ही में जो न्यू आए हमारे चैनल पे तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और अक्सर हमारी रेसिपी आते रहती है, हर रोज़ हम एक रेसिपी अपलोड करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को रेसिपी को शेयर किया करिए और चैनल को लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए अभी यहाँ पे इनको उतार लेंगे, बहुत अच्छे हमारे पकोड़े तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं इनका कलर देख सकते हैं, ये कितने अच्छे क्रिस्पी से तैयार है ये देखिए, और मूंग दाल में ज़्यादा मसाले नहीं जाते। तो यहाँ देखिए बहुत मज़े के टेस्टी से कुरकुरे हमारे पकोड़े तैयार है, तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे से तेल निकाल लेंगे इनका छान के। यहाँ देखिए इसकी आवाज़ सुनिए जरा, यहाँ देखिए पकोड़े हमारे तैयार है, अब प्लेट में डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए हमारे कितने मजे के क्रिस्पी से पकोड़े तैयार है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका अंदर का टेक्सचर देखिए आप कितना टेस्टी और मज़े का। तो ये बनाइए आप और हमें कमेंट में ज़रूर बताना ये देखिए। तो चलिए जी आपका बहुत सा ख्याल रखना, हमें भी दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।